श्री श्याम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल सुनीता जी के किचन में। तो आज हमारी किचन में स्वादिष्ट करेले का भरवा बनने जा रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 6 करेले ले लिए हैं और 1 लहसुन। आप अपने अकॉर्डिंग चीजें कम या ज्यादा कर सकते हैं। करेले को अच्छे से वॉश करने के बाद हम उसके ऊपर के छिलके को अच्छे से निकाल लेंगे। करेला एक ऐसी रेसिपी है जो सबको जल्दी पसंद नहीं आती है और स्पेशली बच्चों को पसंद नहीं आती है, तो एक बार आप इस तरीके से इस करेले की रेसिपी को ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और करेले के ऊपर के छिलके को निकालने के बाद हम उसके बीच में से कट लगा देंगे और इसमें हम जो भी फिलिंग तैयार करेंगे उसको फिल करेंगे। तो यहाँ हमने फिलिंग तैयार करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ले ली हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 चम्मच आमचूर पाउडर ले लिया है, 1/2 चम्मच हींग ले लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा, 1 लहसुन, 2 मिर्ची और 1 चम्मच हमने यहाँ पर पंचफोरन ले लिया है और 2 चम्मच हमने साबुत धनिया ले लिया है। तो आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी कढ़ाई को अच्छे से गरम करके उसमें जो हमारे ये खड़े मसाले हैं उसे डाल देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है और जीरा और पंचफोरन डालकर हम इसे अच्छे से 10 मिनट तक लो फ्लेम में भून लेंगे। इसे अच्छे से भून लेने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो और इन्हेंस हो जाएगा। हमारी यूपी बिहार में तो इसी स्टाइल से करेले का भरवा बनता है। आपको हमारी ये रेसिपी या ये तरीका कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बस 10 मिनट हम इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। उसके बाद हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसे एक मिक्सी में डाल देंगे। इसके साथ ही साथ हम अपनी बाकी चीज़ें भी डाल देंगे, जैसे कि हमने 2 हरी मिर्च इसमें डालनी है और 1 लहसुन, और सबसे पहले हमने जो मसाले दिखाए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे, जैसे कि हमने 1 चम्मच आमचूर पाउडर दिखाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और 1/2 चम्मच हींग वो भी हम इसमें डाल देंगे, और इसमें डालकर हम इसे बहुत अच्छे से पीस लेंगे। तो हमने यहाँ अपने मसाले को अच्छे से पीस लिया है, तो आप सब देख सकते हो कुछ ऐसा सा टेक्सचर उसका होना चाहिए। जो हम करेले के भरवे बनाएंगे उसमें यही मसाला हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ हम जो करेले के भरवे में फिलिंग करने वाले हैं वो सब चीज़ तैयार हो गई है, जैसे कि अभी जो हमने मिक्सचर तैयार किया पीस के वो है। 1 चम्मच हमने यहाँ नमक ले लिया है, 1/2 चम्मच हमने हल्दी ले ली है और थोड़ा सा जो हमारे घर पे मिर्ची का अचार बनता है उसे ले लिया है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम जो करेले में इसे फिल करेंगे, उसके बाद इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ अब हम सब चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1/2 चम्मच हमने यहाँ हल्दी डाल दी है और अचार को भी हम इसमें डालकर अच्छे से मिला लेंगे। जो कड़वाहट रहेगा वो अपने आप ही हट जाएगा। तो यहाँ हमने जो कट लगाया था उसमें हम अपने मिक्सर को अच्छे से भरना स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो करेले का भरवा बनाने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारी रेसिपी हैं, बट आप एक बार इस तरीके से करेले का भरवा बना के देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा।
अब हम एक एक कर सब करेले में ऐसे ही अपने जो ये मिक्सर तैयार किया है हमने उसे अच्छे से फिल कर देंगे। किया था एक एक कर अच्छे से भर दिया। इसके बाद हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप सब देख सकते हैं ये कितना टेम्पटिंग, कितना अच्छा दिख रहा है, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अपनी कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई के अच्छे से गर्म होने के बाद हम उसमें 3 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल के गर्म होते ही हम अपने फ्लेम को लो टू मीडियम रख देंगे और एक एक करके अपने करेले के भरवे को उसमें डाल देंगे। और आराम से हमें जो ये करेले का भरवा है उसे तेल में डाल देना है। और बीच बीच में जाकर उसे चारों ओर से हमें चला देना है ताकि जो हमारा करेले का भरवा है वो चारों ओर से अच्छे से पक सके। बस कुछ ही देर में हमारे ये करेले का भरवा चारों तरफ से अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद हम इसे एक एक कर एक अलग प्लेट में अच्छे से निकाल लेंगे। करेले का भरवा यूपी बिहार स्टाइल बनकर रेडी हो गया। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी